ओनली 1 pound 29 कि जब भी आपने अंडा बनाना है ना तो आपने अंडा डाल ओनली 99p और इसको बस यहाँ से प्लग एंड प्ले यहाँ से मेरी गाड़ी में H4 लगता है अगर आपने कोई भी ऑर्डर करना है ये बेसिकली इस तरह का दिखता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज की इस वीडियो में मेरी वीडियोस काफी लेट आ रही हैं, सबसे पहले उसके लिए अपोलॉजीज एंड रियली सॉरी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी ऑन माय स्केड्यूल बैक अगेन। यार बड़ी सारी चीजें चल रही हैं, ऑब्वियसली आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था अपने ब्रांड के बारे में। अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो अगर ये पहले हो गई हुई तो मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो जो है वो इसी बारे में आएगी कि आपके भाई ने यूके में अपना ब्रांड लॉन्च किया है, तो उस बारे में बातें बाद में की जाएंगी। आज की इस वीडियो में यार मैंने टीमू से काफी सारी चीजें बाय की हैं, क्योंकि आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ। टीमू बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको जहां से आपको घर की इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, मतलब दुनिया की जो भी चीज चाहिए ना भाई आपको वहां से मिलेगी। तो उसी सिलसिले में मैंने भी काफी सारी चीजें यहाँ पे बाय की हुई है और आपको ये वीडियो आपको ये चीजें जो है वो आज की वीडियो में दिखाई जाएंगी और प्राइसेस भी बताई जाएंगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर नहीं भी पता तो भी ये बता देते हैं कि यार टीमू की जो प्रोडक्ट्स है ना वो इसलिए लोग ज्यादा बाय करते हैं या बाय करने की जो रीजन होती है वो होती है उनकी चीप प्राइसेस। यहाँ पे ना आपको भाई बड़ी 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 सस्ती चीजें मिलती हैं, इतनी सस्ती ना कि मैं अभी आपको ये सारी चीजें बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मतलब इतने पैसों में नहीं मिलती है ये चीज यहाँ पे, क्योंकि मैं काफी टाइम से ना काफी सारे प्लेटफॉर्म से बाय कर रहा हूँ। सबसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको पता होगा जिसकी मेंबरशिप वगैरह भी होती है, मैं यूजली वहीं से बाय करता हूँ, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है टीमू से। क्वालिटी के हिसाब से अगर प्राइस के हिसाब से चीजें देखी जाए ना तो यार बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, बट ये है कि बाकी सारी बातें बाद में आपसे करेंगे। आपको जो चीजें हैं वो खोल के दिखाते हैं, उनकी प्राइसेस वगैरह बताते हैं। कुछ चीजें जो है ना मैंने इसमें ऑलरेडी खोल ली थी, उसकी रीजन ये थी कि भाई ये आया हुआ पार्सल काफी दिन से और मेरे से सबर हो नहीं रहा था। तो आपको आज की वीडियो में सारा कुछ इसका बताते हैं, प्राइसेस बताते हैं, चीजें दिखाते हैं। मेरे पास यहाँ पे फोन है, मैं जरा इसको खोल लूँ क्योंकि मुझे सबकी प्राइसेस जो है वो अभी उस तरह से याद नहीं है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक और बात तो बतानी है कि आपको देयर विल बी अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन व्हिच यू कैन यूज टू डाउनलोड द टीमू ऐप, जहां से आपको अप टू 100 pound का जो है वाउचर मिलेगा टीमू पे अगर आप फर्स्ट साइन अप करते हो ना। इतनी ऑफर्स मिलती है ना, इतनी ऑफर्स। मेरा एक दोस्त है अभी, वो मुझे उस दिन बता रहा था, उसने एक अपना हेड मसाजर, उसको मैंने गाड़ी लेके दिया ना, तो उसने अपना हेड मसाजर, गाड़ी की कुछ चीजें वगैरह वो सारा कुछ उसने मंगाया कितने का, 10 pound में। एक वो मसाजर, गाड़ी के वो होल्डर वगैरह, 3-4 और चीजें मिला जुला के। तो इफ यू आर न्यू टू टीमू, अगर आप फर्स्ट साइन अप पे जाते हो यू विल गेट अ ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट। इवन इफ यू यूज माय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द टीमू ऐप, यू कैन गेट इजीली अप टू 100 pound ऑफ वाउचर व्हिच यू कैन ऑब्वियसली स्पेंड ऑन टीमू एज वेल। तो वहां पे प्राइसें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दूं कि भाई प्राइस जो है ना टीमू की, इस सारे वीडियो का जो थीम है ना वो ये है कि यहाँ पे आपको जो प्राइस और जो प्रोडक्ट मिलती है ना दैट इज इनसेन, आपको उस वजह से बाय करनी पड़ जाती है। अच्छा यार सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक अदर मैंने जो है वो ये स्प्रे बॉटल ली है, ये भी मुझे अपने वो बिजनेस के लिए चाहिए। तो इसको आपको खोल के दिखाते हैं कि क्या जो है वो इसका थीम है। ये मतलब मैं अगर ऑनलाइन कहीं से बाय करता ना ये वाली बॉटल तो मुझे कम से कम 5-6 pound की मिलती मिनिमम भी, अगर किसी शॉप से भी लेता तो भी जाकर मिनिमम 5 pound की ये मिलती, जो कि एक डिसेंट मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है यार, डिसेंट लग रही है। प्राइस अगर की बात की जाए ओनली 1 pound 29, 1 pound 29 की भाई यहाँ पे क्या मिलता है। ये काफ़ी एक अच्छी बॉटल है जिसमें हम जो है वो इसको अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आपको वीडियो में कहीं ना कहीं ये नज़र आ जाएगी। सेकंड जो चीज़ मैंने मंगवाई है, हाँ ये पता है क्या, मैं ना जब अंडा बनाता हूँ ना तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब मैं ना उसको फ्लिप करता हूँ ना वो जाता है फट, मतलब उसकी जर्दी जो है ना वो निकल जाती है सारी, तो वो खराब हो जाता है, तो फिर अंडा बनाने का ना मज़ा नहीं आता, वो सारा खराब हो जाता है, उसका जो प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, खाने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने ना एक अदर ये चीज़ मंगवाई है, ये है अंडे वाला स्पैचुला, एग स्पैचुला कहलवा आप इसको, जो कि ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक मिनट मैं खोल के दिखाता हूँ इसको आपको, ये ना इस तरह से डिज़ाइन की हुई है, एक मिनट हाँ अब नजर आएगा इस तरह से, कि जब भी आपने अंडा बनाना है ना तो आपने अंडा डाल दिया, उसके बाद अब आपको फ्लिप करना है, तो आप ये अंडा है ना तो ये ऐसे अंडे को पकड़ोगे लाइक ऐसे और इसको आप ऐसे करके फ्लिप कर दोगे, तो ये जो चीज़ है ना ये अंडे को बाहर नहीं निकलने देती, तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज है। आई कितने की है, लेट मी टेल यू द प्राइस, ओनली 99p, 1 pound का भी नहीं है, लेस देन अ पाउंड। ये आप जाओ ना इधर शॉपों पे भाई, इधर सर्फ रोड पे जाओ ना, अपनी जो शॉपें हैं जहाँ से आपको ये चीजें मिलती हैं सारी, कम से कम ये आपको 5-6 pound का मिलेगा मिनिमम, मिनिमम भी अगर आपको ये मिलेगा ना 5-6 pound का मिलेगा आपको ना चीजें। यार प्राइस मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल ना होने के बराबर, 99p का क्या मिलता है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है ये एक अदर एयर ह्यूमिडिफायर। अच्छा
इसका बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। एक तो ये है कि ये ना एयर को ह्यूमिड कर देता है, मतलब आप इसमें पानी शानी डालो तो काम लगे ना, तो ऊपर तौलिया डाल के बस बैठ जाओ, ये इससे ना भाप निकलती है पानी वाली, तो ये एक अच्छी चीज है। और गाड़ी के लिए यूज कर सकते हो इसको। अब भाप वाला तो मैंने अपने पास से तजर्बा आपको बताया ना, इसको आप जो है वो डालो इसमें अच्छे से परफ्यूम, अच्छे से परफ्यूम डाल के इसको आप जो है ना अपनी गाड़ी में रख के चला दो, ये यहाँ से ना सारी वो गाड़ी में ना आपकी जबरदस्त किस्म का जो है ना माहौल बना देगा। या अगर आपका रूम छोटा सा है, ये ना एक बड़ा एक अच्छा किस्म का माहौल क्रिएट कर देती है। सिंपली आपको जस्ट यहाँ पे ना इसमें पानी डालना है, और आपको जो भी मतलब ऑयल वगैरह, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई खुशबू यूज कर रहे हो तो आपको सिंपल यहाँ पे डालनी है इसको, यहाँ पे इसको ऐसे बंद करना है और इसको बस यहाँ से प्लग एंड प्ले, यहाँ से प्लग, ये यूएसबी के साथ इसकी वायर आती है, जस्ट प्रेस द बटन एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। प्राइस बताओ, प्राइस कितने की है? 1 pound 09 pence। भाई इतने की तो केबल भी नहीं मिलती, 1 pound 9 pence का ये जस्ट खाली ही आया। नेक्स्ट जो चीज मैंने मंगवाई है, हाँ ये यहाँ पे ना बंदा हर वक्त शूज पहनता है, क्योंकि आप चप्पलों में बाहर जा नहीं सकते, सर्दी होती है और बारिशों का भी पता कोई नहीं होता, तो मतलब पाकिस्तान वाला सीन तो नहीं है, पाकिस्तान में तो बंदा ओपन जूते पहन के बाहर निकल जाता है, बट यहाँ पे ना आपको शूज पहनने पड़ते हैं साल के 12 महीने, दिन के 24 घंटे, नहीं 24 नहीं, चलो 10, जब जॉब पे होगे तब तक ऑब्वियसली, और हफ्ते के 7 दिन। तो उसमें सीन पता है क्या होता है, मैंने स्टिल अभी राइट नाउ मैंने अभी भी शूज पहने हैं, उसका मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आपको जो है ना रोजाना शूज पहनने पड़ते हैं, जब रोजाना शूज पहनोगे ना दिन में 8-8, 10-10 घंटे, तो जो मेन चीज होती है वो होती है शूजों की स्मेल। अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो या किसी के घर मेहमान चले गए हो, आप जॉब से गए हो वापस, ठीक है, वहां पे जाके शूज उतारे हैं और ताजा ताजा महक जो है वो सबके सामने आपकी आ रही है, तो एम्बैरेसमेंट होती है भाई बहुत ज्यादा। उसका सबसे अच्छा हल ये है, ये डिओड्रेंट्स होते हैं जो आप जो है वो अपने शूज में रख सकते हो। ये ऐसे छोटी सी एक बॉल है, नजर आ रही है, एक मिनट अब नजर आएगी, हाँ ये ऐसी छोटी सी एक बॉल है, विच इज नॉट दैट बैड, शूजों के लिए अच्छी है। ये कितनी है इसमें, 2, 4, 6, ये 6 पीस का एक छोटा सा पैकेट है, और ये है कितने का, 169 का, 1 pound 69 pence का, ये 6 पीस है। मतलब ये कि यार आपके 3 जोड़े जो जूतों के हैं ना वो इसमें कवर हो सकते हैं इजीली, 1 pound 69 pence। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है, एक मिनट, सबसे बड़ा कॉमन मसला यहाँ पे यूके में ये होता है, किधर गया, हाँ यूके में ना जब आप ग्रॉसरी के लिए जाते हो ना, तो सबसे बड़ा इशू आता है कि भाई पाउंड नहीं है, और बड़ी एम्बेरसमेंट होती है जब आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, फिर आप वो आसपास किसी के पास ढूंढो या टेल पे जाओ उनसे मांगो, बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर हो जाता है। तो आई बॉट दिस, ये है बेसिकली एक शॉपिंग करने के लिए जो आपका ट्रॉली वाला क्वाइन होता है ना, ये काइंड ऑफ वो है, इसको कहते क्या है, हाँ शॉपिंग कार्ट की चेन। ये बड़ी एक अच्छी चीज है, सीधा शॉपिंग के लिए जाओ, बस आपकी चाबी के साथ लगा हुआ है, ये सीधा उसमें ट्रॉली में डालो अपनी ट्रॉली, शॉपिंग करो वापसी पे, चाबी निकाल के सीधा कार। ये मिला कितने का, लेस देन अ पाउंड, 89p का। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई प्राइस जो है ना वो न होने के बराबर है, ये वैसे भी अगर आप कहीं से लोगे ना यार मिनिमम भी आपको 2-2.5 pound का तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे आपको कितने का मिल रहा है, 89p का, लेस देन अ पाउंड। अच्छा एक और चीज मैंने मंगवाई है, ये फैदर्स हैं और ये रियल है, क्योंकि मुझे ना इसकी स्मेल से वो फील हो रहा है, रियल वाली ना इसमें से वाइब आ रही है। ये बेसिकली है, मैंने एक छोटा सा वाज लिया था इसी अपने काम के लिए, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो, बहुत सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड भी हैं क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें ना उसके लिए भी मंगवाई हैं, जैसे कि ये स्प्रे बॉटल हो गई, जैसे कि ये दिखाता हूँ अभी, और ये बेसिकली मैंने मंगवाया था, ये 100 pieces का है, और ये कितने का है, 399, सॉरी 50 pieces है, 50 pieces है इसमें ये सारे, और ये है 399 का। मैंने ये डनलेम वगैरह में देखी है ना, और वहाँ पे ये पड़े होते हैं भाई, ये एक एक जो है ना वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ये एक एक की जो प्राइस है ना वो तकरीबन कोई 50p 60p का एक एक होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बट ये है कि अगर आप इतने से फिर भी लो ना, इतना कुछ आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपको बहुत भी कम मिलेगा ना, तो भाई कम से कम भी ना आपको 10-12 pound का तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये चीजें बड़ी महंगी है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे मेरे पास आ जाती है, एक अदद ये अम्ब्रेला, मैंने ना वाइफ के लिए मंगवाई थी, क्योंकि वाइफ की जॉब होती है ना तो उसको जाना पड़ता है, घर के पास ही ज्यादा दूर नहीं है, बट ये एक पॉकेट अम्ब्रेला छोटी सी है, फोल्ड हो जाती है, काफी अच्छी है और छोटी सी है, तो ये है कि कैरी करना इजी होता है, जरा बारिशों का तो पता कोई नहीं है, यहाँ पे आप घर से बाहर निकलते हो तो कभी धूप है कभी बारिश है, तो पता नहीं चलता, ये एक बड़ी अच्छी अम्ब्रेला है। मैंने बाकी वेबसाइट्स पे आगे पीछे देखी है, कम से कम अम्ब्रेला आपको 10-12 pound की मिलती ही मिलती है, ये मुझे मिली है 599 की, 6 pound, लेस देन 6 pound, और विच इज क्वाइट गुड, नॉट दैट बैड क्वालिटी जो है ना इसकी, ये इसकी कपड़े की जो इसका पैराशूट है, इसकी क्वालिटी जो है ना वो काफी जबरदस्त लग रही है, 2-3 fold ना खोलने में थोड़ा सा लगता है, बट लुक एट दिस, देयर वी गो, तो अब ये टेंशन नहीं है, और ये मतलब काफी जो है ना मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे हवा बड़ी तेज चलती है ना, तो मसला ये होता है कि छतरियां जो है ना वो खुल जाती हैं,
तो इसका वो वाला सीन नहीं है, काफी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज आती है वो आती है एक अदद ये वाले बल्ब तो नहीं है, एलईडी लाइट्स हैं, मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगवाई थी। और इसका ना मैं आपको क्लिप डालूंगा बीच में। दूसरा मैंने थोड़ा टाइम पहले वीडियो बनाई थी, 2-3 दिन पहले, तो मैं इसको कार में फिक्स कर रहा था। मैं ऑलरेडी इसको फिक्स कर चुका हूँ, बट ये है कि मैंने इसका क्लिप बनाया, आप पहले वो देखो और फिर उसकी प्राइस बताता हूँ। ये एलईडी लाइट है गाड़ी की, व्हाइट वाली, क्योंकि ना मेरी गाड़ी में नॉर्मल हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं तो उनकी लाइट अच्छी है, बट ये है कि सुपर ब्राइट नहीं है। व्हाइट वाली लाइट होती है जैसे दूर से वो किसी को आप डिपर दो या गाड़ी क्रॉस करते हुए, मोटर पे भी बड़ा मजा आता है चलाते हुए। तो ये बेसिकली व्हाइट दो है एलईडी बल्ब। मेरी गाड़ी में H4 लगता है, अगर आपने कोई भी ऑर्डर करना है तो आप पहले देख लेना कि आपको कौन सा चाहिए। मेरा बेसिकली H4 है वाला, उसमें इस तरह की पेंस होती हैं। तो ये अभी जाएंगे तो ये भी फिक्स करवा लिया जाएगा। अच्छा यार, इसमें बेसिकली थे ये है 2 पीस 90,000 LM H4 LED है, क्योंकि मेरी गाड़ी में H4 लगती है ना, इसमें H7 भी आती है, H8 भी आती है, H6 भी आती है, डिपेंडिंग ऑन योर कार मॉडल। तो उसके हिसाब से अगर आपको बाय करनी है ना तो उस तरह करना। तो ये बेसिकली है, इसमें हाई बीम भी है, लो बीम भी है, और ये है H4 LED हेडलाइट, और ये 90,000 LM जो है ना इसकी लाइट है। और प्राइस की अगर बात की जाए तो ये मुझे मिली है 2899 की, मैंने हेल्फर्ड वगैरह पे इसके साथ की देखी थी, वहां पे तकरीबन 45 पाउंड प्लस की थी। सिंगल जो है वो 25 की थी और डबल जो है वो 45 पाउंड प्लस की थी। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज आ जाती है वो आती है एक अदद ये कार का एंड्रॉइड हेड यूनिट। मैंने इसका भी क्लिप बनाया हुआ है, पहले आप वो देखो उसके बाद में आपको बताता हूँ। अम्मा की कॉल आ गई है, एक मिनट यार मैं जरा मैसेज करके बता दूं। इस हेड यूनिट की ना आप वीडियो देखो पहले और फिर मैं ना आपको इसको बताता हूँ कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है। अच्छा यार, टीमू में जो बाकी सारी चीज़ें आई हैं उसमें ना एक अदद मैंने मंगवाया अपनी गाड़ी का ना LCD पैनल, क्योंकि मेरे पास है ना Chevrolet Spark LS 2010 मॉडल, तो उसमें ना जो बिल्ट इन रेडियो आता है बस वही आता है। तो एक्स्ट्रा जो है ना आप उसका LCD पैनल लगा सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ये GPS ट्रैकर है जो कि आपको नेविगेशन में काम आता है। ये आपका बैक कैमरा है, बैक कैमरा भी लगेगा तो जो कि आपको रिवर्स करने में बड़ी आसानी देता है। ये एक अदद माइक है जिससे आप जो कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। ये इसका पावर अडैप्टर है जो कि आपका इसका और इसके अंदर लगता है, और इसको जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं, क्योंकि रात को आया था तो सबर नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको पहले ही खोल लिया था। यहाँ पे ना बेसिकली ये जो है ये इसका पूरा LCD पैनल है। ये बेसिकली ना बिल्ट इन गाड़ियों में नहीं आता, तो ये ना पूरा उसके अंदर एज इट इज जाके ना फिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली था 110 या 112 pound का था। अच्छा ये बेसिकली यार एक एंड्रॉइड हेड यूनिट है, मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगवाया था। इसकी असेंबली ना ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, ये मतलब थोड़ा सा शायद खराब है या कोई मॉडल का फर्क है, वो पता नहीं, सेलर से कॉन्टेक्ट करूंगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, बट इसका काम बेसिकली यही होगा। काफी सारे मेन्यूज हैं इसके, डिफरेंट हैं, आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, जो आपको पसंद है। मुझे थोड़ा सा ये फ्यूचरिस्टिक सा लगा तो मैंने ये लगा लिया। एप्स में जाया जाए तो काफी सारी इसकी एप्स आ जाती हैं, यूट्यूब चला सकते हो आप, गूगल मैप्स, स्पॉटिफाई, हर चीज, मतलब जो भी आप इस पे एक एंड्रॉइड फोन पे जो भी आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। इसमें वायरलेस कार प्ले आता है, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड भी। इसमें आपको ना प्रॉपर यूट्यूब वगैरह हर चीज मिल जाती है, तो आप जो मर्जी करो, गाने शाने सुनो, ये वो, आप अगर मैप यूज़ करना चाहते हो फॉर एग्जांपल तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने ना गाड़ी में वो भी लगाया है पीछे ना एक सब वूफर, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट शेकी, बिट नहीं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है पीछे लगा हुआ उधर, बट ये है कि ये ना प्रॉपर हिलता है, अभी देखना चलेगा। तो अच्छा सेकंड लास्ट पे मेरे पास आ जाता है एक अदद ये USB हब। अच्छा मैंने ये ना देखा है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे ना, तो वहाँ पे मुझे मिल रहा था 10-12 pound का, 13 pound का, तो मैंने कहा लूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, अगेन वही बिज़नेस के लिए ज़रूरत है। तो क्योंकि एक दो तीन चार छोटी लाइट्स थी काफ़ी सारी, उनके लगाने के लिए ना अब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग अडेप्टर लगाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिकली एक USB हब है, नज़र आ रहा है, हाँ अब आ रहा होगा। ये मुझे मिला कितने का, लेट मी टेल यू द प्राइस, 1 pound 80 pence का, 1 pound 80 pence। इतने की ना आपको एक USB केबल नहीं मिलती है। अगर आप कहीं ऑनलाइन बाय करोगे या किसी शॉप से जाके बाय करोगे ना तो आपको ये मिलेगा USB हब, मतलब 5-6 pound का मिलेगा ही मिलेगा। टीमों पे आपको मिल रहा है सिर्फ 1 pound 80 pence का, 1 pound 80 pence। इसमें यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी हैं जब आप इसको यूज करोगे, अभी ऑब्वियसली मेरे पास कोई लगाने वाला सीन नहीं है, नहीं तो मैं आपको लगा के चेक भी करा देता। एक लास्ट चीज रह गई है वो दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, अंदर भूल गया हूँ मैं।
अच्छा मैं जब पाकिस्तान से आया था ना तो मैं अपने लिए दो बेल्ट लेके आया था, एक लेदर वाली और एक नायलन की। इस तरह की लेदर वाली तो मैंने यूज की कोई नहीं, और वो नायलन वाली जो है ना वो एक बेल्ट है वो मैं हर जगह पर कोई यूज करता हूँ। उसकी रीजन क्या है कि ये ना काफी सॉफ्ट होती है और एडजस्टेबल है, सुराखों वाला सीन नहीं होता। तो मुझे मिली नहीं है कहीं से, मैंने इतनी ज्यादा सर्च भी नहीं की, बट ये कि मुझे कहीं खास इस तरह नजर नहीं आई। तो मैं जब ये चीजें बाय कर रहा था तो मुझे ये नजर आई है, तो ये मैंने एक लिया अपने लिए बेल्ट जो कि एडजस्टेबल है। तो इतना कोई सीन नहीं है, बस इसको यहाँ पर डाल लिया। सिंपल क्या है, बस इसको ये यहाँ से ऐसे क्लिक किया, ये खुल गई और ऐसे इसको आपने वापस जोड़ दिया। तो ये मुझे कितने की मिली है, 2 pounds 19 pence। यार ये सारी चीजें, सारी ऑल टुगेदर की जितनी भी चीजें थी ना, ये मुझे मिली है 160 pounds की, ये सारी चीजें। और अगर मैं खाली ये एंड्रॉइड पैनल ही मंगवाता ना तो ये खाली मुझे 200 pounds का मिल जाना था, अगर मैं कहीं से मंगवाता तो। तो आई होप कि आपको चीजें भी पसंद आई होंगी और प्राइस भी अच्छी लगी होंगी, क्योंकि टीमों पर भाई सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको प्राइस जो है ना ऐसी मिलती है ना कि बंदा कहता है ना चाहते हुए भी ना बंदे को लेनी पड़ जाती है कोई ना कोई चीज। अब मतलब शायद ये मैं कभी भी ना लेता एयर ह्यूमिडिफायर, ये 1 pound का मुझे मिला है, मैं वैसे कभी ना लेता। ये USB हब सोचता ही रहता शायद ले लेता, ये ना लेता सॉक्स वाला के कौन जाए। अभी आप JD स्पोर्ट्स पे या स्पोर्ट्स JD पे या स्पोर्ट डायरेक्ट पे जाते हो ना, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाय। तो ये है कि ले लिया ये, अब मुझे 2 साल हो गए UK में, तो कभी गौर ही नहीं किया इस पे। अब इसकी प्राइस इतनी कम थी कि मुझे जो है ना बाय करना पड़ गया। एनीवेज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें जो है वो भी अच्छी लगी होंगी, प्राइस भी जो है इनकी पसंद आई होगी। अगर आपको बाय करनी है तो आप जाकर टीमू की ऐप से बाय कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल दूंगा ऐप का। अगर आप मेरे लिंक से जाकर उस ऐप को डाउनलोड करते हो, बाय करते हो, यू कैन गेट अप टू 100 pounds ऑफ वाउचर, टीमू वाउचर, जिससे आप अपनी शॉपिंग जो है ना वो इजीली कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ख्याल रखिएगा, दिस इज अला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।